क्वार्टर में अलार्म बजने लगा है। जब नेतन्याहू बाइडेन की मुलाकात और अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इजराइल की चर्चा कर रही है, तब इजराइल के दुश्मन एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। 19 जुलाई शुक्रवार का दिन खुलने वाला था कि रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। अब ऐसे ही कई हमले इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमान लिवियाथन और करीश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहां पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इसराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? तेल अवीव में जहां अटैक हुआ वो तेल अवीव का याफा इलाका है, और जिस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है। याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद-3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इसराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इसराइल में घुसा। इसराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो इसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इसराइल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इसराइल के जो बड़े बंदरगाह हैं, उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन के इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जिस इसराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इसराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इसराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इसराइल तक पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। यमन ने तेल अवीव पर ड्रोन हमला किया तो इसराइल ने हुदैदा बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाए। यही वजह है कि यमन के हूथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इसराइल की ऑयल रिग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हूथी विद्रोही ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इसराइल की दुखती नब्ज को दबाना जानते हैं। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले
इसराइल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। एक ड्रोन कैसे युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा सकता है, ये यमन के याफा ड्रोन ने साबित कर दिया है। खतरे की घंटी संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, ये आप यूएन से आए अलर्ट को देखकर समझ सकते हैं। याफा जैसे ड्रोन से ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले इसराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे कई हथियार यमन के हुथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं, इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हुथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हुथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हुथी विद्रोहियों की याफा ड्रोन ने इसराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। यही वजह है कि तेल अबीब पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं। हमास पर बमबारी नहीं बल्कि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमास के कब्जे में 120 इजरायली बंधक हैं और इस बात ने नेतन्याहू को काफी बेचैन किया हुआ है। तेल अबीब से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले थे जो हमास की कैद से छूट चुके हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडेन से इस बारे में जरूर बात करेंगे ताकि हमास पर दबाव बने और 120 इजरायली बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाए। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इसराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्ला है और यमन का हुथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। उन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इसराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इसराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इसराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन के तेल गोदाम में लगी आग अब भी जल रही है। इसी जगह पर इसराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदेदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया है कि हुथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। इससे पहले हुथी विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इसराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है। और अब खतरा इसराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है क्योंकि इसराइल भी जानता है कि यमन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है।